हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैनेजरियल डिसीजन में, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते। अ पैन मैन्युफैक्चरर मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 25, मतलब 25 नेट प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट है 143 उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 143 क्या उसका सेलिंग प्राइस है, और कितना क्वांटिटी बेच रहा है वो 60,000। 60,000 मतलब कितनी परसेंट कैपेसिटी, वो 60% कैपेसिटी है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, वर्क्स ओवरहेड दिया है, सेल्स ओवरहेड दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेल्स, मतलब अपने को कॉस्ट शीट बनाना है इसमें। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ पेन, वो सोचा मैं पेन और बनाऊँ, बट एंटिसिपेट दैट, एंटिसिपेट मतलब उसको फोरकास्ट हो रहा है कि फिक्स चार्ज विल गो अप 10%, फिक्स चार्ज पे 10% बढ़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इंक्रीज बाय 8%, 6%, बट यस नो ऑप्शन इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वही है सेम। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑप्टेंस एंड फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। अभी इधर एक वर्ड आया फर्दर 20%, तो पहले कितना परसेंट कैपेसिटी था, 60%, 60% का कितना था, 60,000 था, 60% का कितना, 60,000, राइट। अब उस पर ना उसका क्या कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% और बढ़ गया, 20% और बढ़ गया मतलब 80% हो जाएगा, 80% का कितना आ जाएगा, 80,000, कितना आ जाएगा, 80,000, वो वर्किंग नोट में पार्ट है। और लास्ट में उन लोग का ओवरऑल प्रॉफिट दिया है 16,73,000, तो आओ सम स्टार्ट करते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चलो आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले 60,000 का हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल, ओके, तो 60,000 यहाँ लिखने का, रेट लिख दूंगा ना मैं इधर रेट, तो हम लोग को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो अपने को अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, अपने को क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो आ जाओ, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, 35, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, 35, और डायरेक्ट वेजेस 12.5 दिए, तो डायरेक्ट मटेरियल की जगह पर मैं 35 लिख दिया, और डायरेक्ट वेजेस की जगह पे 12.5, 60,000 है, तो उसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 21,00,000। देखो कभी भी रेट दिया रहेगा ना, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करो अमाउंट आएगा, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7,50,000 आ गया, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट 28,50,000, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आपको रेट आ जाएगा 47,50, या फिर 28,50 को 60,000 से डिवाइड करेंगे तो भी ये रेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया था, वर्क्स ओवरहेड 50% फिक्स है, मतलब 50% वेरिएबल, इसके लिए क्या लिखा, फिक्स वेरिएबल 50% 50%, वर्क मतलब फैक्ट्री का खर्चा, तो कितना रेट दिया वर्क ओवरहेड का, 62.50, तो इसका हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 31.25, इसको 60,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1875, ये आ जाएगा 1875, ये आ जाएगा, राइट। अब 28,50,000 मतलब प्राइम कॉस्ट को वर्क कॉस्ट ऐड कर, वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे तो अपने को वर्क कॉस्ट मिलेगा, वर्क कॉस्ट का मतलब होता है अपना फैक्ट्री का कॉस्ट, क्या मिलेगा अपने को, फैक्ट्री का कॉस्ट, तो फैक्ट्री का कॉस्ट कितना आ जाएगा अपने को ऐड करके सबको, 1875, तो अपने को आ गया 66,00,000, और 66,00,000 में से 60,000 क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 110 अपने को रेट आ जाएगा, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड भी दिया है, 25% वेरिएबल दिया है, तो अगर 25% वेरिएबल है मीन्स 75% फिक्स है, 75% क्या है, फिक्स है, तो कितना रुपया दिया, 8 रुपये दिया, तो 8 रुपये का 25% कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6 रुपये का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से, 66,36, 360,000, 60,000 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 120,000, तो ये फैक्ट्री का कॉस्ट को ये दोनों कॉस्ट ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 70,80,000, फिर इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने को रेट मिल जाएगा, रेट आ गया 118, फिर अपने को प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना दिया 25, और सेलिंग प्राइस कितना दिया अपने को 143, क्वेश्चन में दिया आप देख सकते हैं, प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 25 है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 143, प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस 143, अब इसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को अमाउंट आ जाएगा, राइट। तो 143 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 आ गया, राइट। फिर 143 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 60 से दिया, सेम प्रॉफिट कितना आएगा 25, तो 60 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 1,500,000, 70,00,000 से 1,500,000 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। तो ये कैपेसिटी कौन सा था, 60,000 का था, राइट, जो क्वेश्चन में दिया था ना, 60,000 मतलब 60%। अभी इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर दिस सिचुएशन द मैन्युफैक्चरर ऑब्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ इस कैपेसिटी, फर्दर 20%, फर्दर का मतलब होता है और 20%, मतलब ये 60% था तो इस पर 20% ऐड करना है, तो 20% ऐड करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 80, तो 60%
का 60,000 जो 80% का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैल्सियम आप 60,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और 60 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80,000। पहला तो ये हो गया, ठीक है। हम लोगों को अभी क्वेश्चन लेके सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है क्या, क्या चेंज करने वाले, पहले वो चेंज करेंगे। इधर बोला है हम कि फिक्स चार्जेस, यू कैन सी दैट विल गो अप बाय 10%। तो जो फिक्स चार्जेस उस पर 10% बढ़ाएंगे, तो फिक्स चार्जेस क्या हो गया मालूम है अपना, फिक्स चार्जेस ये अमाउंट हो गया 18,75,000। 18,75,000 पे कितना, ये देखिए 18,75,000, चलो हाँ 18,75,000 पे, 18,75,000 पे कितना परसेंट बढ़ गया बोलो उन्होंने, 10%, 10% ये आ जाएगा 18,75,000। तो अपना अमाउंट आ जाएगा 20,00,000, मतलब इस पे ना इस पे, ओके 10% ऐड किया अमाउंट पे, अमाउंट पे तो 187,500 फिर ऐड करके अपने को इतना अमाउंट आ गया। सेम इधर भी फिक्स, ये 3,60,000 है, 3,60,000 पे 10% 36,000 आएगा, 3,60,000 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3,96,000। फिक्स में अमाउंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वो ये लाइन बोला था फिक्स चार्जेस विल गो बाय 10% वाइल दी रेट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल, रेट्स बोला अभी क्या बोला रेट 8% 6%। तो इधर कितना रेट है 35, कितना रेट है 35, तो 35 के ऊपर 8% निकालेंगे 2.8 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो लेबर का 8% है, मटेरियल का 6% है, तो मटेरियल का 6% रहेगा, मटेरियल कितना है 12.5, उसका 6%, 6% 0.5 है, 12.5 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना 6% वापस से 12.5 का 6% प्लस 12.5 तो 13.25, ओके इंटू 80,000 10,60,000, राइट, अस्सलाम। तो कितना है 12.5 पे कितना परसेंट बढ़ गया है 6%, 6% इतना आ गया और फिर प्लस कर दिया, कितना प्लस कर दिया 12.5 13.25 वेजेस इंटू 80 10,00,000। और मटेरियल में कितना परसेंट बढ़ने वाले, मटेरियल में मटेरियल का 6 हो गया, लेबर का 8%, लेबर का 8%, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है वापस से करता हूँ। ये लेबर है, लेबर पे 8% आएगा एक, तो ऐड कर देंगे तो 13.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.5, ठीक है मिस्टेक होता है, दिख नहीं रहता बराबर, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने को अमाउंट आ गया 10,80,000। मटेरियल कितना है 35, तो 35 पे 6%, ठीक है 35 ऐड किया तो 37 80,000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 290। तो मटेरियल पे कितना परसेंट ऐड किया 6%, मटेरियल पे कितना परसेंट ऐड किया 6 और वेजेस पे कितना परसेंट ऐड किया 8, ठीक है रेट पे ऐड करें, राइट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा, तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा, प्राइम कॉस्ट आया 40,48 आ जाएगा, राइट। उसको 80,000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो 50,60 हो जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल में क्या करने का, वेरिएबल कुछ बोला नहीं है ना, तो वेरिएबल में एक मिनट, वेरिएबल में क्या करने का, रेट सेम लिखने का, वेरिएबल में क्या लिखने का, रेट सेम लिखने का। फिर इसको क्या करेंगे 80 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 80 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 25,00,000 आ रहा है। अभी ये फिक्स का अमाउंट है 20,00,000, 20,60,500, उसको 80,000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो याद आएगा। अभी सबको ऐड कर देंगे अपने को क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट कितना है 86,10,500, कैसे हैं 40, 20, 25 है ना। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 80 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा, ठीक है। फिक्स में तो क्या क्या हम लोग ने अमाउंट ऐड कर दिया था ना, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे किससे 80,000 से, तो अपने को इसका रेट मिल जाएगा 4.95। पर ये तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल में रेट क्या रहेगा सेम रहेगा, वेरिएबल में रेट सेम रहेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,60,000 आ जाएगा, 1,60,000, ठीक है 1,60,000। फिर क्या करना है अमाउंट को ऐड कर देने का, तो अपने को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना है 91,66,500। फिर इसको 80,000 से क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके कितना रेट आया
114.58। ओके अभी अपने को इधर क्या बोला मानी है, 60% था टोटल कॉस्ट आ गया। अभी तो ओवरऑल प्रॉफिट दिए 16,73,000, ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया 16,73,000, तो प्रॉफिट की जगह पर डाल देंगे 16,73,000। ये जब दोनों को ऐड करेंगे ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपको सेल मिलेगा। मतलब ये 80 है कॉस्ट है, मुझे 20 का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 100 हो जाएगा ना, मतलब 8 रुपया खर्चा, मुझे 2 रुपया कमाना है, तो मैं 10 का बेचूंगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो अपने को क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा 1,08,39,500। अब इन लोगों को रेट के लिए क्या करना है, डिवाइड करना, 80 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो तुमको रेट आ जाएगा राइट। इसका रेट ये आ जाएगा 20.9, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने को जितना आ जाएगा 135.49। तो क्या रिकमेंडेशन चाहिए था, वॉट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस टू एंश्योर मैनुफेक्चर ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16,73,000। अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो क्या प्राइस पे वो चेची बेचेगा, तो प्राइस कितना है 135, तो मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए इसका 135। तो ये प्राइस पे अगर वो मिनिमम प्राइस रखेगा तो उसको प्रॉफिट कितना आएगा 16,73,000। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था राइट। ओके थैंक यू।